का जिज्ञासा यही है कि जो पूजा पाठ हम करते हैं क्या वो एक अलग चीज है और शिव की शिष्यता क्या ये अलग चीज है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग चीज है, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? जिसकी भी पूजा करते हैं हमारा मन भी तो उसमें शामिल होना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का जप जब आप करते हैं तो उस मंत्र के देवता का स्मरण अगर नहीं होगा, उस देवता को याद करके अगर मंत्र नहीं पढ़िएगा तो उस मंत्र का कोई परिणाम नहीं है। यानी एक वो जो मंत्र पढ़ता है, एक वो जो मंत्र में है वो देवता, एक वो जिसने आपको ये मंत्र दिया है, ये तीनों अगर एक सूत्र में नहीं हो तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे किसी मशीन में आप कोई गाना लगा दीजिए, अब मशीन में गाना बज रहा है, किसी आदमी ने गाया है, मशीन में बज रहा है, मशीन में बज रहा है, लेकिन मशीन रोती है क्या? अगर कोई रोने वाला गाना हो तो हम और आप सुन के रोने लगते हैं कि कितना दर्दीला गाना है, कितना दर्द से भरा गाना है, लेकिन वो मशीन नहीं रोती है। तो ऐसा ही हाल हम लोग का पूजा पाठ में भी हो गया। हम उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, फूल पत्ती और प्रसाद रखते हैं और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करते हैं जैसे कोई मशीन कर रहा है, मन का भाव ही उसमें नहीं है। तो इस पूजा का क्या अर्थ है? इससे बहुत अच्छा है कि आप उसकी बात करिए। कहा जाता है कि जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं धीरे धीरे हमारा मन भी उसके जैसा होने लगता है। आप अपने जीवन में ही देख लीजिए, जिस बारे में आप ज्यादा बात कीजिएगा आपका मन उसी बात से भरा रहता है, आपको नींद में भी वही दिखाई देता है। मान लीजिए यहाँ मेला लग जाए और मेला लगने से 10 दिन पहले से आप रोज मेला की बात कर रहे हैं, पता चलेगा कि आपके सपने में भी, सपना में भी वो मेला ही नजर आ रहा है, झूला ही नजर आ रहा है। जिस बारे में ज्यादा बात कर लीजिए वही नजर आने लगता है। तो साहब ने सबसे सुंदर विधा दी, क्या? कि आपके गुरु शिव हैं, उनको आपके सामान की जरूरत नहीं है, आपके चढ़ावा की जरूरत नहीं है, आपके मन का भाव वो लेते हैं, वो भाव सबका है, गुरु भाव सबका है, भाव से ही उनसे मिला जा सकता है। तो पूजा में भाव शामिल नहीं हो तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। शिव की शिष्यता हमको सिखाती है, हम इतनी महादेव की बात करते हैं, इतनी बात करते हैं दूसरों से कि खुद भी समझते हैं और दूसरे भी समझते हैं कि शिव कौन है। हमारा मन उस शिव के नजदीक हो गया है क्योंकि हम दिन रात उसकी बात करते हैं। तो मन का नजदीक होना ही तो सबसे बड़ी पूजा है, मन का समर्पित होना ही तो सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम और समर्पण के सिवा इस रास्ते में और कुछ नहीं। अगर मन प्रेम और समर्पित है, प्रेमी है, समर्पित है, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। इसीलिए साहब ने इसको हाईटेक पूजा कहा, एक ऐसी पूजा जो आपके मन में निरंतर चलती है, लगातार चलती है। आपके पास फूल हो या ना हो, आपके पास जल हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास वो मन है और मन का वो भाव है जो आप उस शिव पे चढ़ा सकते हैं तो शिव आपका है। अब रही खान पान की वर्जना, खान पान यानी क्या हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। शिव जगत के गुरु ने, जगत गुरु शिव को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या खाते हैं। आपके जीवन में जो उपलब्ध है वो आप खाइए, आपका शरीर जिसकी इजाजत देता है आप वो खाइए, जो नहीं मन करता है वो मत खाइए। इससे मास्टर को क्या मतलब है कि आप क्या खाइए। आपका बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने तो मास्टर पूछते हैं क्या क्या खा के आए हो, या किस जाति के हो, या किस धर्म के हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ज्ञान देता है और विद्यार्थी ज्ञान लेता है। तो इसीलिए शिव की शिष्यता में हर व्यक्ति जो है, जैसा है, जो खाता पीता है, जो पहनता ओढ़ता है, जहाँ रहता है, जो भाषा बोलता है, उसी भाषा में वह शिव को पुकारता है और शिव उसकी पुकार सुनते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है, शिव उसमें अपना ज्ञान उतारते हैं। इसीलिए
शिव की शिष्यता में इन तरह की कोई वर्जना नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि कोई बंधन गुरु लगा सकते हैं, गुरु शिव है और वो जगत के हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि तुम ये छोड़ के आओ और ये छोड़ के मत आओ, शिव नहीं कह सकते। हाँ, और गुरु कह सकते हैं, लेकिन महादेव नहीं कह सकते। आपके पास जो है आप आराम से अपना खाइए पीजिए रहिए, पानी ओढ़िए और महादेव महादेव करिए, उनको आपका भाव ग्रह है, भाव के अलावा और कुछ भी नहीं। शिव शिष्यता में अंधविश्वास, झाड़फूंक, जादू टोना जैसा कुछ नहीं है, कृपया समझाने का प्रयास किया। शिव शिष्यता में झाड़फूंक, जादू टोना, ये ना जी, झाड़फूंक क्या होता है और जादू टोना क्या होता है और इसके भी ईश्वर कौन है? अगर ये है तो इसके ईश्वर कौन है, भगवान कौन है? वो हर रूप जो धरती पे है उस सारे रूपों के ईश्वर वो शिव है। सबसे बड़ा तांत्रिक उन्हीं को कहा गया, सबसे बड़ा अघरेश्वर, कपालेश्वर, सब कुछ उन्हीं को कहा गया। और जब वो मेरे होंगे तो उनका हर रूप मेरा होगा, नहीं होगा? जैसे एक राज्य में एक राजा का देश था, उस देश का जो राजा था, एक दिन उसने कहा कि कल सुबह मेरे घर का दरवाजा, मतलब महल का दरवाजा खोल दिया जाएगा और पूरे राज्य के जो भी लोग उस दरवाजे से अंदर आएंगे, जिस चीज को छू देंगे वो चीज मैं उसको दे दूंगा। हो सकता है ये कहानी आपने सुनी हो, मैंने भी पढ़ी थी कहीं। राजा ने कहा कि जो जिस चीज को छुएगा मैं उसको वो चीज दे दूंगा। कोई आया, सुबह हुई, दरवाजा खुला गया महल का, पूरे राज्य से भीड़ पूरी उमर गई। जब सब कुछ फ्री में मिलना हो तो सारे लोग आ जाते हैं। तो महल का ही बात थी, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ मिल रहा था, कोई राजा का सिंहासन छूता था, कोई कुछ कोई कुछ। एक व्यक्ति उस भीड़ में राजा की तरफ बढ़ा, राजा के आसपास उनके सिपाही लोग खड़े थे, तो सिपाही लोग जो थे वो उस आदमी को रोकने लगे। लेकिन राजा ने देखा तो राजा ने कहा कि आने दो, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ कहना चाहता होगा, आने दो। और राजा एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि कौन क्या लेके जा रहा है तेरा। वो आदमी राजा के तरफ बढ़ा और उसने राजा को ही छू दिया, राजा को ही छू लिया। अब आप ही बताइए कि जो राजा को ही छू लेगा उसको अलग अलग चीज छूने की जरूरत है क्या? आप बताइए, आप ही बताइए। आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, हम समझ गए इतना देर में, इसलिए आपको सब पता है। तो आप ही बताइए कि जिसने उस राजा को ही छू लिया तो राजा की सारी चीजें उसकी है, जब राजा मेरा तो राजा की सब संपत्ति मेरी, नहीं? और दुनिया ये कहती है, दुनिया ही नहीं कहती है, हम लोग का मन भी ये कहता है कि वो शिव ईश्वर का भी ईश्वर है, राजाओं का भी राजा है, सबसे ऊपर बैठा है। जैसे इस पहाड़ पे हम अगर चढ़े और सबसे ऊपर की चोटी पे जाए तो अब उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, उसके नीचे ही है जो भी है। तो जब महेश्वर कहा गया महादेव को, महादेव भी कहा गया, यानी देवताओं के भी देव कौन है? वो महादेव है। ईश्वर के भी ईश्वर कौन है? तो महेश्वर शिव है। सब कुछ कौन है? तो शिव है। तो जब वो शिव ही मेरा हो जाएगा तो हमको इजहार भूक तांत्रिक ओझा गुरु की जरूरत है? आपको है जरूरत इसकी? अरे महादेव मेरे मन में रहते हैं, बस वही सारी चीजों को ठीक करते हैं।
होते हैं, उनकी दया से ही तो सब कुछ चलता है। वो मेरे हो गए तो उनकी सारी दया भी मेरी है नहीं। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि अगर जीवन में कोई परेशानी कोई कष्ट हो अपने गुरु शिव को ही होगा। एक जगह अगर गड्ढा खोदा जाता है लगातार तो वहां पानी मिल सकता है, लेकिन एक बार यहाँ गड्ढा खोदिएगा, एक बार वहां, तो पता चलेगा पूरा जीवन इसी में चला गया और पानी कहीं नहीं मिला, मतलब प्यास नहीं बुझी। पानी चाहिए तो एक ही जगह खुदाई करिए, ज्यादा अच्छा है। एक जगह खड़े हो गए तो खड़े हो गए। दुनिया में तो इतने लोग आए, कहा पूजा घर में किसी की तस्वीर लगी मैंने नहीं देखा, लेकिन साहब की तस्वीर दीदी की तस्वीर हर शिव शिष्य के उसके पूजा घर में है, पूजा करता है वो। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग कहते हैं मोहब्बत बर्बाद कर देती है। साहब के पिताजी ने यही कहा था उनको कि तुम महादेव महादेव करते हो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। साहब ने उत्तर दिया था कि पिताजी बाबूजी बोलते थे वो, बाबूजी कोई लड़की के प्रेम में दीवाना है, कोई जुआ खेलने में दीवाना है, कोई दारू पीने में दीवाना है, कोई पैसे के पीछे दीवाना है, मैं महादेव के पीछे ही दीवाना हूं। और अगर बर्बाद ही होना है तो घर ही भर के लिए उनके नजदीक जाकर हम भी देखेंगे। हुआ क्या, दुनिया ये कहती है कि मोहब्बत बर्बाद करती है। साहब ने कहा ये माना मोहब्बत बर्बाद करती है, मगर ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये दुनिया याद करती है उनको प्रेम से श्रद्धा से अपने दिल से। इसके लिए उन्होंने किसी से कहा नहीं कि मुझको याद करना, उन्होंने सिर्फ अपने महादेव की बात की, सिर्फ शिव की बात की। और देखिए उस महादेव के साथ साथ वो साहब दीदी भी कब हमारे दिल में उतर गए हमको पता ही नहीं चला। आज वो महादेव थरकते हैं तो वो भी थरकते हैं, साथ साथ ही हैं। इसीलिए अपने शिव पे विश्वास करिए और इन अंधविश्वासों से आप दूर रहिए। लोग आपको धोखा देंगे ठगेंगे, यहाँ भी धोखा है, इसलिए एक जगह खड़े हो जाइए और फिर जब खड़े हो गए हैं तो फिर वहीं रहिए, फिर कहीं और मत जाइए। और वहां तो आपका मन से ही रहना है तो मन से ही रहिए। हो गया, और कुछ? एक प्रश्न और है, शिव गुरु अपने शिष्य के कर्म फल को दग्ध करते हैं, कर्म फल और दग्ध करना ये क्या है? ये अंतिम कर्म कर्मफल कहा जाता है उसको कि जैसे जो मेरा किया हुआ है और उसको हम भोग रहे हैं। नहीं होता है कि कभी हम बीमार हो गए या कोई परेशानी हो गई तो लोग कहता है कि कुछ ऐसा कर्म किया होगा तू, उसी का फल भोग रहा है। नहीं होता है तो हम लोग याद करते हैं कि इस जीवन में तो याद नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा किया है, तो लोग कहते हैं कि अरे हो सकता है पिछला जन्म में किया होगा। तो कर्मफल ऐसी चीज है जो इस दुनिया में आपकी जीवात्मा जब रहती है तो वो जो जो करती है उसका फल आपको भोगना पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी दोनों, यानी गुणात्मक होता है ये। अगर एक आदमी आपके घर में बहुत अच्छा हो गया तो इसका भी लाभ सबको मिलता है। नहीं होता है एक को नौकरी मिल गई तो पूरा घर सुखी हो जाता है, और अगर एक की नौकरी छूट गई तो पूरा घर दुखी भी हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से गुणात्मक होता है, बढ़ के होता है। और जिज्ञासा ये है कि गुरु कर्म फल को दग्ध करते हैं। दग्ध करने का अर्थ होता है कि जैसे कोई कर्मफल को अगर मान लीजिए आपकी एक बिया है, और इसी पे साहब की एक बात मुझको याद आ गई कि साहब अक्सर कहा करते थे कि एक आदमी घर में मकई का दाना लेकर आया। साहब ने कहा कि एक पति और पत्नी रहते थे, पति जो है
वो मकई का दाना खरीद के लाया बाजार से। उसने सोचा कि बिया को खेत में लगाएंगे, तो ला के वो रख दिया, पत्नी को कहना भूल गया। वो चला गया, पत्नी ने देखा कि मकई का दाना बहुत सारा रखा हुआ है, तो नहीं हम लोग भूजा भूजते हैं बालू में चूरा या बादाम या ये सब भूजते हैं। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि लगता है कि भुजा उजा बनाने के लिए लाए हैं क्या। तो उसने क्या किया कि मकई के दानों को बालू में रख के भूज दिया। अब बताइए, तब तक पति वापस लौटा तो वो बोला कि अरे अरे क्या कर दी, ये तो मकई के दानों को तुम भूज दी। उसकी पत्नी ने कहा तो और काहे के लिए लाए थे। तो उसने कहा कि अरे ये तो खेत में लगाने के लिए लाए थे। तो उसने कहा अब क्या है कि मकई का दाना तो है लेकिन अब इसमें से पौधा नहीं होगा। समझे बात को, मकई का दाना है, भुजाने के बाद भी दाना तो रहता ही है ना, लेकिन उसमें पौधा लगेगा, अब खेत में रोपेंगे तो अब नहीं लगेगा। मतलब क्या हो गया, वो दग्ध हो गया, जल गया, उसके अंदर जो पैदा होने वाला गुण था वो खत्म हो गया। गुरु क्या करते हैं, आपके कर्म फल को दग्ध कर देते हैं। कर्म फल जो भोगना है उसकी व्यवस्था का संहार कर देते हैं। तो कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, ये बात ही खत्म हो जाती है। कर्म फल रहता है लेकिन भोगेगा तो आपका मन ना, और उस मन में महादेव है। अब वो कर्म फल आपको भोगिएगा उसको, क्योंकि मन में जब महादेव हो तो कौन सुख कौन दुख याद आता है, कुछ भी याद नहीं आता। दुख आता है तो मिजाज बना रहता है, सोचते हैं ये भी गुजर जाएगा। मतलब मन इतना मजबूत हो गया है, जिसकी संगत में रहिएगा आपका मन भी तो ऐसा ही हो जाता है। साधु की संगत में रहिए तो साधु जैसा हो जाता है। कोई जुआ खेलता हो उसकी संगत में बैठ जाइए, एक दिन आपको जुआ खेलना सिखा देगा। कोई काम करता हो उसकी संगत में रहिए, आपको काम करना सिखा देगा। जिसकी संगत में रहिएगा उसके जैसा आपका मन धीरे धीरे होने लगता है। महादेव की संगत में मन रहेगा तो महादेव जैसा होगा। तो महादेव जैसा मन होगा तो उसके सामने ही धरती का सुख दुख क्या होता है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही गुजर जाएगा। और हम लोग कहते हैं कि ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि मालिक तू मेरा बलवान, मालिक तू मेरा सबसे बड़ा बलवान है, सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर। तो जब वो मेरे साथ है तो फिर हमको किसका डर है, किसका भय है, कौन कर्म फल, कैसा कर्म फल। जिसको भोगना होगा भोगेगा, रहेगा कर्म फल, हम भोगेंगे तब ना, महादेव हमको इससे बचाएंगे, खुद ही हम लोग इस जीवन से निकल जाएंगे। तो चलिए आज कि ये शिव गुरु परिचर्चा जो बिशुनपुर के इस सुदूर जगह पे रखी गई, हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आपके साथ यहाँ शामिल हो सके, अपने गुरु शिव की कुछ बात कर सके। क्या पता इस जीवन में कोई कुछ किसी को कुछ दे पाता है या नहीं, लेकिन साहब ने कहा है कि अगर आपके बात करने से, अगर आपके कहने से कोई शिव की तरफ दो कदम भी बढ़ जाता है, इससे बड़ी बात आप दुनिया में किसी को नहीं दे सकते। अगर हम लोग के यहाँ आने से, अगर हम लोग के बात करने से आपका मन शिव की तरफ चले, इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा उपहार आप हमको कुछ भी और नहीं दे सकते। तो आप सभी से निवेदन है कि इस बीए को छींटिए, क्योंकि हर जगह धोखा है, हर जगह फरेब है, लेकिन महादेव के दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सबको गले से लगाते हैं और सबको एक जैसा प्यार करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने गुरु शिव को ही अपना भी बनाए और दूसरों का भी अपना बनाए। तो ये चीज जितना बांट सकती है सकिएगा, बांटिएगा। आने वाले समय में जीवन रहा और फिर आना हुआ तो फिर भेंट मुलाकात होगी। इस रास्ते से साहब गुजरे हैं, दीदी गुजरी हैं, कितनी बार कहते हैं कि वो ऋषि, वो संत, वो युग पुरुष, वो महामानव जहां से गुजर जाए वहां के कांटे भी फूल में बदल जाते हैं। मेरी यही प्रार्थना है अपने साहब दीदी से, यही दया मांगती हूँ अपने गुरु से,
कि आपके जीवन के कांटे फूलों में बदल जाए। इससे ज्यादा हम लोग और क्या कर सकते हैं, याचना ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। अपने गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप लोगों से आज के लिए विदा लेते हैं हम लोग।